हे गाइस, मेरा नाम शमशाद अली है और आप देख रहे हैं शमशाद अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। सो गाइस, अगर आपने कोई भी प्रोडक्ट नो कॉस्ट ईएमआई पे ऑनलाइन से या फिर क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड से परचेस किया हुआ है, तो आपका नो कॉस्ट ईएमआई बनवाने पे आपके कितना एक्स्ट्रा चार्जेस लगता है, यहाँ पे मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि जब आप कोई सा भी प्रोडक्ट जो कि आप नो कॉस्ट ईएमआई पे ले लेते हो, तो वहाँ पे आपको कितना एक्स्ट्रा चार्जेस पे करना होता है। तो यहाँ पे जैसे ही आप बुकिंग ऑनलाइन नो कॉस्ट ईएमआई पे सक्सेसफुली कर जाएंगे, तो वहाँ पे आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे कुछ इस तरीके से एक मेल आएगा, जैसा कि मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। जैसे कि मैंने अपना ईमेल ओपन कर लिया है। ईमेल ओपन कर लेने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, हाय शमशाद अली, जो कि मेरा नाम है, कंग्रेचुलेशन, यू हैव अवेल नो कॉस्ट डिस्काउंट ऑन ऑर्डर यूजिंग, जहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे कार्ड का जो भी डिटेल वगैरह है वो देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही आपको ऑर्डर सैमरी एक देखने को मिल रही है। यहाँ पे आपको एक चीज़ देखने को और मिल रहा होगा, यहाँ पे जैसा कि आपको नो कॉस्ट ईएमआई डिस्काउंट कितना मिल रहा है, मतलब आपके 1,015 रुपये नो कॉस्ट ईएमआई का आपको जो कि बेयर कर रही वो कंपनी कर रही, स्टैंड डिस्काउंट मुझे कितना मिला हुआ, टोटल ऑर्डर कितने का है, जिसके कि आप देख सकते हैं 22,983 रुपये। यहाँ पे इंटरेस्ट क्या लग रहा है, यहाँ पे ये आपको देखने को मिल रहा है। इट मीन्स आप यहाँ पे देख सकते हो आपकी पूरी डिटेल देखने को मिल रही है। टोटल कॉस्ट जो कि है 23,999 रुपये। इसके साथ ही अगर हम ईएमआई की बात करें, तो यहाँ पे आपको 3,999 रुपये 83 पैसे की 6 महीने की ईएमआई बन चुकी है, जो कि नो कॉस्ट ईएमआई है। ये तो हो गई, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी पूरी डिटेल देखने को मिल रही है। यहाँ पे आप पेज को ऊपर करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है। यहाँ पे पहला ऑप्शन है, विद इन 4 to 7 वर्किंग डेज योर बैंक विल रिवर्स द चार्ज, मतलब आपका जो भी यहाँ पे आप ध्यान से नोटिस करेंगे तो नो कॉस्ट ईएमआई का जो डिस्काउंट है या फिर जो इंटरेस्ट लगा हुआ है 1,015 रुपये 92 पैसे, वो आपको 4 से 7 दिन में आपको कंपनी वापस कर देगी आपके बैंक में। यहाँ पे आप देख सकते हो। दूसरा एक ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल रहा है, HDFC बैंक विल चार्ज यू अ प्रोसेसिंग फी ऑफ 199 प्लस GST। मतलब आपने जो नो कॉस्ट ईएमआई का ये जो ऑप्शन यूज़ किया हुआ या फिर फीचर आपने अप्लाई किया हुआ है, तो उसका जो चार्जेस है आपका 199 रुपये प्लस आपका GST, जो भी उस टाइम का GST होगा। लाइक एज अभी 18% है तो आपको 18, 5 है तो 5, आपका 28 है तो 28, मतलब जो भी आपका GST होगा वो आपको 199 प्लस GST वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। इसके साथ ही यहाँ पे तीसरा आप यहाँ पे नोटिस यहाँ पे देख सकते हो, योर बैंक विल चार्ज टोटल इंटरेस्ट, आपका जो बैंक है 1,015 रुपये 92 पैसे आपका चार्ज करेगी, जो कि नो कॉस्ट डिस्काउंट के तौर पे आपको मिल चुका है। चौथा ऑप्शन देखने को मिल रहा है, एज़ पर गवर्नमेंट गाइडलाइंस, आप पे आप देख सकते हैं 18% GST विल बी इंटरेस्ट, मतलब आपका जो भी यहाँ पे आप देख रहे हैं, मतलब आपकी जो नो कॉस्ट ईएमआई यहाँ पे दूसरे नंबर पे आप देख सकते हैं, प्रोसेसिंग फी आपके 200 रुपये 199 प्लस 18% GST, जैसा कि यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। अब आप यहाँ पे जो भी आपका इंटरेस्ट लग रहा है उस 1,092 रुपये, यहाँ पे आप देख सकते हैं 1,015 रुपये 92 पैसे, वो जो कि आपको बैंक ने ऑल ये कंपनी जो कि जिससे भी टाइप हुआ है वो आपको बैंक में रिवर्स कर देगी। इट मीन्स आपको जो पैसे पे करने हैं वो टोटल पे करने हैं 23,999 रुपये प्लस, इसके साथ ही आप वहाँ पे एक चीज़ और ऐड कर लीजिए, आपका 199 रुपये प्रोसेसिंग फी प्लस 18% GST, जो कि आपके फर्स्ट EMI के साथ ऐड हो जाएगा। सो कुछ इस तरीके से यहाँ पे आप ट्रैक कर सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं जब आप कोई सा भी प्रोडक्ट नो कॉस्ट EMI पे फाइनेंस या फिर EMI करवाते हो, तो वहाँ पे आपके कितना एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं, यहाँ पे मैंने A to Z आपको एक्सप्लेन किया। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि आज की वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताया कि नो कॉस्ट EMI पे कितना एक्स्ट्रा चार्जेस लगता है, उनको आप कैसे चेक कर सकते हो या फिर ट्रैक कर सकते हो A to Z। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, अपने दोस्त शमशाद अली को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।